तो कैसे हैं आप सभी। मैं शशांक सुखेजा आपका स्वागत करता हूँ लॉजिक बिल्डिंग की इस सीरीज में। तो फाइनली हम उस घड़ी पे आ गए हैं जिसमें हमको सीखना है कि लॉजिक बिल्डिंग शुरू कैसे करनी है। ठीक है दोस्तों, तो क्या क्या चाहिए लॉजिक बिल्डिंग के लिए ये देखेंगे इस वीडियो में, और क्या क्या टूल्स हमें आने चाहिए अपने लॉजिक को फिट करने के लिए वो देखेंगे इस सीरीज में। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा पहला टॉपिक रहेगा कि लॉजिक बिल्डिंग के लिए क्या क्या चाहिए, मतलब क्या क्या आना चाहिए आपको लॉजिक बिल्डिंग शुरू करने से पहले। तो सबसे पहला आता है, उसको कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। क्या होती हैं ये स्टेटमेंट्स ये भी जानेंगे कुछ ही देर में। दूसरी जो स्टेटमेंट्स आपको आनी चाहिए उसको बोलते हैं लूपिंग स्टेटमेंट्स। क्या होती हैं ये लूपिंग स्टेटमेंट्स, बस कुछ ही देर का समय चाहिए आपका और आप इन सब से वाकिफ हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिमाग में सवाल आता है कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो हमारे डेटा के फ्लो को कंट्रोल करें, मतलब हम कंडीशंस लगा के अपने फिल्ट्रेशन, अपना डेटा जो हमने इनपुट लिया है उसको किस तरीके से मॉडिफाई करना है, किस तरीके से चेक करना है ये देखें। उन स्टेटमेंट्स में हम जो कंडीशंस लगाएंगे उसके अकॉर्डिंगली हमारा फ्लो जाएगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये फॉलो होना चाहिए, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये फॉलो होना चाहिए। व्हेन यू वांट टू मेक मल्टीपल डिसीजंस आउट ऑफ वन वैल्यू यू यूज कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो कितने टाइप की होती हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स, चलिए ये देखते हैं। पहली होती है इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट। दूसरी होती है इफ एल्स। तीसरी होती है इफ एल्स इफ लैडर। चौथी होती है स्विच केस। तो जो भी है आपका ये कि इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ लैडर और स्विच केस, इनको हम बहुत बारीकी से देखेंगे अपने आगे आने वाली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आते हैं लूपिंग स्टेटमेंट्स में। क्या होती हैं ये लूपिंग स्टेटमेंट्स, काम क्या होता है इन लूपिंग स्टेटमेंट्स का, और कौन सी होती हैं लूपिंग स्टेटमेंट्स। जो स्टेटमेंट्स एक टास्क को कई बार करने में हमारी हेल्प करे, मतलब जैसे हमको अपना ही नाम 10 बार ऐड करना है, मतलब प्रिंट करना है, या 10 बार वापस प्रिंट करना है, या 2 की टेबल लिखनी है, 3 की टेबल लिखनी है, हम एक ही ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन नंबर ऑफ टाइम्स करते हैं बट विद अ डिफरेंट वैल्यू, तो ऐसी स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं लूपिंग स्टेटमेंट्स। जब हमको एक ही काम को कई बार करना पड़ जाए, जैसे मैं आपको बोलूं एक फोटोकॉपी की शॉप में जाइए, अपने एक पेज का जेरोक्स निकालिए, तो क्या आपको अगर उस जेरोक्स के लिए 100 बार पन्ने को रखना पड़ेगा? नहीं, आप एक बार पन्ना स्कैन करोगे और 100 लिमिट डाल दोगे तो 100 बार क्या कर देगा, जेरोक्स कर देगा उसी पन्ने की। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से होते हैं लूपिंग स्टेटमेंट, मतलब टाइप्स ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट्स। तो लूपिंग स्टेटमेंट्स में पहला आता है एंट्री कंट्रोल लूप। अब एंट्री कंट्रोल लूप क्या होते हैं, पहला लूप होता है फॉर लूप, दूसरा लूप होता है वाइल लूप। अब ये दो लूप्स होते हैं जिनमें स्टार्टिंग में ही कंडीशन चेक होती है कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने से पहले, इसीलिए इनको एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं। बट एक और टाइप का लूप होता है जिसको बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। ये वो लूप होते हैं जो जब कंडीशन सारी, मतलब सारे आपके ऑपरेशन हो जाएं उसके बाद कंडीशन चेक करे, तो उसको कहते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। आपने गौर किया होगा जब आप कोई एक वीडियो गेम खेलते हैं, डू यू वॉन्ट टू एग्जिट, डू यू वॉन्ट टू एग्जिट येस और नो, तो उसमें आप येस दबाते हो तो आप बाहर निकल जाते हो, नो दबाते हो तो आप वापस स्टार्टिंग मेन्यू में पहुंच जाते हो। तो ये वही काम है डू वाइल लूप का, कि लास्ट में चेक करेगा और लास्ट में से पूछेगा क्या इस लूप को कंटिन्यू करना है, तो आप बोलोगे येस और इस लूप को कंटिन्यू कर देगा। तो चलिए अब आते हैं डिटेल में किसको, तो शुरू करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट से। तो सबसे पहले कंडीशनल स्टेटमेंट्स में आते हैं और देखते हैं कि पहली कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है। पहली जो कंडीशनल स्टेटमेंट होती है
वो होती है इफ स्टेटमेंट। क्या होती है ये इफ स्टेटमेंट? तो इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स कुछ यूं नज़र आता है, जिसमें इफ लिखा हुआ है और अंदर एक कंडीशन लिखी हुई है। अगर आपको चेक करना है कि दो नंबर्स में से बड़ा कौन सा है, जैसे मैंने दो नंबर ले रखे हैं ए और बी, तो हम इसमें लिख सकते हैं ए ग्रेटर देन बी। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वो इफ का ब्लॉक ऑपरेट होता है, मतलब उसके अंदर जितने भी इंस्ट्रक्शंस होंगे वो फॉलो होंगे। अगर वो फॉल्स होती है तो इफ के अंदर लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं होंगे। अगली स्टेटमेंट जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स में उसमें आती है, मैं आपको बताना ही भूल गया, इफ़ का हिंदी का मतलब होता है अगर। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो प्लीज़ इसको फॉलो करिए, अगर ये बात सही है तो प्लीज़ इसको फॉलो करिए। जैसे आपकी मम्मा बोलती हैं अगर होमवर्क कर लिया तो ही टीवी देखने को मिलेगी, जब आप होमवर्क कंप्लीट कर लेते हो तभी आपको टीवी देखने को मिलती है। इसी तरीके से इफ़ के अंदर जो भी कंडीशन होती है अगर वो ट्रू होती है तो उसके सेट ऑफ ऑपरेशंस एग्जीक्यूट होते हैं। अगली जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स में हम आते हैं उसको बोलते हैं हम इफ एल्स स्टेटमेंट्स। इफ एल्स का स्टेटमेंट का मतलब क्या है? जैसे आपकी मम्मा ने बोला अगर होमवर्क कर लोगे तो टीवी देखने को मिलेगा वरना पिटाई होगी, तो अगर टीवी देख ली तो अगर होमवर्क कर लिया तो इफ के अंदर टीवी देखने को मिलेगा, अगर नहीं किया मतलब कंडीशन फॉल्स हो गई अगर होमवर्क नहीं हुआ होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको पिटाई पड़ेगी। समझ में आया? चलो फिर आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट में। तो इस स्टेटमेंट में हमने क्या देखा, इफ स्टेटमेंट को हम बोलते हैं अगर और एल्स को बोलते हैं वरना या मगर। आगे बढ़ते हुए अगली आते हैं इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स यानी इफ एल्स इफ लैडर में। इफ एल्स इफ लैडर क्या होती है ये देखने से हमें पता चलेगा, ये कई सारे इफ की स्टेटमेंट्स हमको कई ऑप्शंस देने हैं। चाहे जैसे आपके कोई गेम खेलो तो उसमें पहला होता है न्यू गेम, दूसरा होता है सेटिंग्स, तीसरा होता है साउंड, चौथा होता है क्रेडिट्स और पांचवा होता है एग्जिट। तो कई सारे ऑप्शंस हैं, तो अगर यूज़र ने वन दबाया तो पहला होना चाहिए, दो दबाया तो दूसरा सेक्शन होना चाहिए, थर्ड दबाया तो थ्री होना चाहिए। इसी तरीके से इफ एल्स इफ, इफ एल्स इफ तो इफ का मतलब होता है अगर, एल्स इफ का मतलब होता है वरना अगर, और लास्ट होता है वरना। बहुत ही आसान सा एग्जांपल दूंगा, जैसे आपकी मम्मी ने बोला जाओ सबसे पहले ये पैसे ले जाओ, अगर लक्स हो तो लक्स ले आना, अगर लक्स ना हो मतलब पहली कंडीशन ट्रू ना हो, अगर पियर्स साबुन हो तो पियर्स ले आना, अगर डिटॉल हो तो डिटॉल ले आना, वरना कोई भी ले आना। इसका मतलब क्या हुआ कि पहली कंडीशन के थ्रू चले तो अगर आपको पहली कंडीशन में ही लक्स मिल गया तो आप वो ले लोगे, नहीं तो आप सेकंड कंडीशन चेक करोगे पियर्स है क्या, वो भी नहीं मिलेगा तो आप पूछोगे डिटॉल है क्या, जब वो तीनों के लिए मना कर देगा अरे यार कोई तो साबुन दे दो। इसी तरीके से आगे चलते हैं और अपने अगले स्टेटमेंट में आते हैं, जो लास्ट स्टेटमेंट है कंडीशनल स्टेटमेंट्स का या कंट्रोल स्टेटमेंट्स का, जिसको हम बोलते हैं स्विच केस। स्विच केस कुछ इफ एल्स इफ लैडर की तरह ही होता है। जैसे उसमें आपने डिटॉल विटॉल सब कुछ मांगा तो उसमें क्या करता है, वो चेक करता है कि मेरे पास ये है कि नहीं है और एक एक स्टेप में जाता है। जैसे आपने बोला डिटॉल, तो अगर वो थर्ड केस है तो सीधे डिटॉल दे देगा वो। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, ये ब्रेक क्यों लगे हुए हैं इस सिंटैक्स में, बेसिकली क्या होता है कि अगर आप किसी केस में आप एक्टिव हो तो उसके बाद के केस से पहले ब्रेक चाहिए, क्यों मतलब उस जगह से बाहर आ जाओ, तो ब्रेक क्या करता है आपको स्विच केस से बाहर कर देता है उस केस, उस पर्टिकुलर केस को फॉलो करने से। अब इसमें वैल्यू 1, 2, n क्या है, मतलब जो वैल्यू आपको पास करानी है, मतलब जो आपको वैल्यू पास करानी है वो आप वहाँ पास करेंगे, और जो कंपेयर करनी है वो केस के बाद लिखेंगे, चाहे वो ए हो चाहे बी हो चाहे नाम हो आपका चाहे 1, 2, 3 हो। ठीक है दोस्तों, इसका कंपैरिजन इफ एल्स इफ से करते हैं। जैसे आपकी मम्मी ने कहा था अभी तक लक्स और डिटॉल और पियर्स के लिए, तो क्या हुआ जैसे मैंने लक्स अगर केस थ्री में लिख दिया तो ये सिर्फ देखेगा लक्स है कि नहीं है, होगा तो दे देगा, इसमें कंपैरिजन नहीं होता है दोस्तों, इसमें सिर्फ एक ही टास्क होता है वरना वो कह देता है नहीं है। जब आपको मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी हो तो इफ एल्स इफ का लैडर देखें, अगर आपको सिर्फ अपना स्विच केस चलाना हो तो प्लीज़ मेन्यू का ऑप्शन देखें। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे अगर आप एक चीज़ पे बटन दबा देंगे तो वो चीज़ वही खुल लेगी, जैसे लिफ्ट, लिफ्ट में अगर आपने 3 दबा दिया तो वो 3 पे ही रोकेगी जाके। तो इसके आगे चलते हैं स्विच केस यहीं ख़त्म करते हुए, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने लूपिंग स्टेटमेंट्स का। तो शुरू करें लूपिंग स्टेटमेंट्स। तो लूपिंग स्टेटमेंट्स दो टाइप के लूप बताए थे, तो उसमें से पहला हम पढ़ेंगे आज एंट्री कंट्रोल लूप, जिसको हम बोलते हैं फॉर लूप।
फॉर लूप क्या होता है, फॉर लूप का सिंटेक्स होता है इनिशियलाइजेशन कंडीशन अपडेशन, और ये देखा जाता है फॉर के अंदर इसकी बॉडी होती है जिसको कर्ली ब्रैकेट से ओपन करके कर्ली ब्रैकेट पे क्लोज करते हैं। इनिशियलाइजेशन क्या होता है, किसी वैल्यू को असाइन करना, कंडीशन उस वैल्यू को चेक करना, और अपडेशन उसी वैल्यू को अपडेट करना कि वापस कंडीशन चेक हो सके। ठीक है दोस्तों, तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे फॉर इंट आई इक्वल्स टू ज़ीरो, आई इक्वल्स टू ज़ीरो, हमारी ये जो आई इक्वल्स टू ज़ीरो है, कि हमारी आई इक्वल्स टू ज़ीरो है, मतलब हम ये लिख देते हैं आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब जो आई इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया दोस्तों, अब वो सबसे बात कहाँ जाएगा, आई लेस देन टेन में। बात सही है, यह ज़ीरो इज़ लेस देन टेन, तो लूप अंदर एग्जीक्यूट होगा, सारे सेट ऑफ ऑपरेशंस होंगे, और यहाँ लास्ट लाइन ख़त्म होने के बाद वो आई प्लस प्लस में जाएगा। आई प्लस प्लस क्या करेगा, आई की वैल्यू को ज़ीरो से काट के वन कर देगा, और जैसे ही वन हो जाएगी फिर ये वन के बाद वापस इस जगह जाएगा, और ये वापस चेक करेगा वन लेस देन टेन, फिर सेट ऑफ चालू करेगा, फिर आई प्लस प्लस। इस तरीके से तब तक राउंड एंड राउंड होता रहेगा जब तक आई की वैल्यू 10 नहीं हो जाती, क्योंकि 10 लेस देन 10 में ये लूप से फॉल्स हो जाएगा, तो यहीं से ये इसको क्या कर देगा, एग्जिट कर देगा। तो दोस्तों क्या आपको लूप समझ में आया, अगर आ गया हो तो वेरी गुड, और हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, जिसको हम बोलेंगे व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्या होता है, व्हाइल लूप में हम देखते हैं इनिशियलाइजेशन हम स्टार्टिंग में करते हैं, उसमें कंडीशन हम व्हाइल के ब्लॉक के अंदर करेंगे, और अपडेशन लास्ट में करेंगे। सिमिलरली स्ट्रक्चर है, देखिएगा इसका भी एक एग्जांपल देते के दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे आई इक्वल्स टू ज़ीरो और कंडीशन चेक, कंडीशन चेक सेट ऑफ कंडीशन ट्रू, सेट ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म, फिर यहाँ पे अपडेट हुई आई की वैल्यू, वापस यहाँ गई, और ये तब तक चलेगी जब तक ये कंडीशन ट्रू है, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी ये बाहर कर देगी इसको। तो दोस्तों समझ में आया व्हाइल लूप, इसीलिए इनको एंट्री कंट्रोल लूप बोलते थे, क्योंकि इनकी स्टार्टिंग में इनकी वैल्यू चेक हो रही थी और लास्ट में अपडेट हो रहे थे। एग्जिट कंट्रोल लूप में आते हैं, जिसको बोलते हैं डू व्हाइल लूप। क्या होते हैं ये डू व्हाइल लूप, चलिए देखते हैं। तो डू व्हाइल लूप कुछ यूं होते हैं, इनकी सिंटैक्स होते हैं इनिशियलाइजेशन बिल्कुल सिमिलर होता है, पर इनिशियलाइजेशन के बाद एंट्री के वक्त कोई कंडीशन चेक नहीं होती है, वो होती है लास्ट में। तो होगा क्या, इनिशियलाइजेशन हो जाएगा, इनिशियलाइजेशन होने के बाद ये सेट ऑफ ऑपरेशंस वर्क करेंगे और फिर वैल्यू अपडेट होगी। जैसे मैं इसको एग्जांपल से लूँगा, आई इक्वल्स टू ज़ीरो अपडेट हो गया, डू सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हुए, ये वन हो गया, और फिर वन चेक हुआ, वन लेस देन टेन, येस इट इज़ अगेन डू दिस। पर अगर आई की वैल्यू स्टार्टिंग में ज़ीरो ना हो के हम इसको कर देते 10, तो भी ये एक एटलीस्ट वन टाइम चलता, और फिर यहाँ जाके 11 पे फॉल्स होता, 11 लेस देन 10, यस बाहर कर दो। तो मिनिमम ये लूप वन टाइम एग्जीक्यूट होगा ही होगा, एक बार एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो के लास्ट में आ गया हूँ, आज के लिए बस इतना ही। अब लॉजिक्स इनके थ्रू कैसे सेट करने हैं ये हम अपनी अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।